अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र एहसान है कि उसने अपने दीन को सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने और उसे आगे पहुंचाने के लिए हमें यह प्लेटफॉर्म फराहम किया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेहद मशकूर हैं कि उसने अपने दीन की तबलीग़ के लिए और उसकी नशर व इशाअत के लिए हमें मौका फराहम किया। यह खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक मिलने ही की वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ जमा हुए हैं। इस मुबारक और बाबरकत इल्मी सफ़र में मैं आप सब का तहे दिल से खैर मुकदम करती हूँ। मैं आप सबको मुबारकबादी देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इल्म हासिल करने की खातिर अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और इस इल्मी सफ़र की और अपना क़दम बढ़ाया। यकीन जाने कि हर सफ़र की शुरुआत, हर मंजिल, हर डेस्टिनेशन की शुरुआत एक अकेले कदम बढ़ाने से ही शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारे इस आगे बढ़ाए हुए कदम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए, हमारे इस इल्मी ज़ौक़ व शौक़ को बरकरार रखे और हमें हमारे इस मकसद में कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इस कोर्स में हमारे साथ कई बहनें ऐसी भी हैं जो पहले भी सीरतुल नबी पर शॉर्ट कोर्स कर चुकी हैं, और ये एक ज़ाहर सी बात है कि इस कोर्स को रजिस्टर करते हुए अक्सर लोगों के जहनों में ये बात आई होगी कि सीरत का मुताला यानी सीरत को पढ़ना इतना अहम क्यों है, हम इसको इतनी अहमियत, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। इसके बजाय अगर हम कुरान मजीद का कोई कोर्स करते तो हमें हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती। इन सब सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हम सबसे पहले सीरतुल नबी की ज़रूरत, अहमियत और इसके फ़वायद को जानेंगे, यानी इट्स नेसेसिटी, इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स को जानेंगे इंशाअल्लाह। इंसान के लिए कुरान हकीम के बाद हिदायत का ज़रिया यानी मीन्स ऑफ गाइडेंस जो है वो है हदीस और सीरतुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात, वो हस्ती हैं जिन पर रब कायनात ने कुरान ने हकीम को नाजिल किया। तो ज़रा गौर करें और अपने आप से एक सवाल करें कि क्या हम कुरान हकीम को उस वक्त तक समझ सकते हैं जब तक हम साहिब कुरान यानी वो इंसान जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया उनको ना समझें, उनको ना जानें। कुरान हकीम को उस वक्त तक समझना नामुमकिन है जब तक हम साहिब कुरान को ना समझें और आपकी सीरत का मुताला ना करें। इसलिए कुरान मजीद को पूरी तरह समझने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानें। सीरत के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस सवाल के जवाब के लिए हमें अपने आप से एक और सवाल करना होगा, वो ये है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं।
इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस पूरी कायनात को, एंटायर यूनिवर्स को, और जो कुछ भी इसके अंदर है, जानदार, नबातात यानी पेड़ पौधे, चांद, सूरज, सितारे, सैारे, गैर जानदार, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, सब के सब को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने बनाया। और इस कायनात की जानदार चीज़ों में अल्लाह सुबहानहु तआला की बेहतरीन तख्लीक, बेहतरीन क्रिएशन हम इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे रब ने हम इंसानों को अपनी सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जगह जन्नत के लिए पैदा किया है। इसी लिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में बसाया और बताया कि आप वहाँ रहें। इसका ज़िक्र हमें सूरह बकरा में मिलता है। وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, और हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ। लेकिन शैतान ने उन्हें जन्नत से निकलवा दिया, जिसका ज़िक्र भी हमें इसकी अगली ही आयत में मिलता है। अच्छा, ये शैतान कौन था और उसने आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकलवाया? इसके लिए हमें किस्से आदम की तरफ पलटना होगा। इंशाअल्लाह हम सरसरी तौर पर इन ब्रीफ किस्से आदम से गुज़रेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और उसका मकसद और इरादे क्या हैं। मलाइका यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और उनका मस्कन आसमान है। इन फरिश्तों के साथ इब्लीस भी आसमानों पर रहता था, अगरचे कि वो फरिश्ता ना था बल्कि वो एक जिन था। जिस तरह फरिश्ते और इंसान अल्लाह ताला की मखलूक, अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं, इस ही तरह जिन्नात भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, इंसानों को मिट्टी से, और इंसानों की तख्लीक के कई हज़ार साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आँखों से नज़र नहीं आता। जिन के मानी हैं छुपा हुआ, पोशीदा, इनविजिबल और हिडन के। बाज़ मुहक्किकीन, हिस्टोरियंस लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल पैदा किया गया था। सूरह हिज्र में अल्लाह ताला फरमाता है, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ, यकीनन हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा किया, और इससे पहले जिन्नात को हमने लू वाली आग से पैदा किया। इब्लीस जिन्नों का सरदार था और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला और बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। अपने इल्म और इबादत की वजह से वो बहुत मकबूल था और उसे फरिश्तों का साथ हासिल था। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उसने फरिश्तों के साथ इब्लीस को भी हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करे, तो इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया हसद और तकब्बुर की बिना पर, और कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे आग से पैदा किया जबकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। इस तरह उसने अपने रब की नाफरमानी की और उसके गज़ब का मुस्तहक हो गया। अल्लाह ताला ने जब
इब्लीस को जलील करके जन्नत से निकाला तो उसने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी और कहा कि उसको क़यामत तक मोहलत दी जाए। उसने ये मोहलत क्यों मांगी? क्योंकि वो बनी आदम से यानी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से बदला लेना चाहता था, उसको गुमराह करके, उसको सीधे रास्ते से और नेकियों के रास्ते से भटका कर। जब अल्लाह ताला ने उसको मोहलत दे दी तो उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया, जिसका ज़िक्र सूरह आराफ में मिलता है। आयत का मफहूम है, उसने कहा चूँकि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह बैठूँगा, फिर उन पर हमला कर दूँगा, उनके आगे से भी और उनके पीछे से भी और उनकी दाईं जानिब से भी और उनकी बाईं जानिब से भी, और आप उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ से जलील उकार होकर निकल जा, जो शख्स उनमें से तेरा कहा मानेगा मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। शैतान ने जो चैलेंज अल्लाह ताला को दिया उसका मतलब ये था कि जो मोहलत आपने मुझे दी है उससे फ़ायदा उठाकर मैं ये साबित कर दूंगा कि इंसान इस फजीलत का, इस सुपीरियरिटी का मुस्तहक नहीं है जो अल्लाह ताला ने उसके मुकाबले में इंसान को अता की है। और अल्लाह ताला ने शैतान को इख्तियार दे दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को राह रात से हटाने के लिए जो चालें वो चलना चाहता है वो चले, उन चालबाजियों से उसे रोका नहीं जाएगा, बल्कि वो सब राहें खुली रहेंगी जिनसे वो इंसान को फितने में डालना चाहेगा। लेकिन उसके साथ शर्त ये लगा दी, इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक जो मेरे हकीकी बंदे हैं उन पर तेरा बस ना चलेगा। अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों पर शैतान का कोई जोर चलने नहीं देगा, क्योंकि वो फरमाता है वो कफा बिरब्बी का वकीला, और तेरा रब कारसाजी करने वाला काफ़ी है। यानी जो सही मानों में अल्लाह ताला का बंदा बन जाता है, उसी पर एतमाद और तवक्कल करता है, तो अल्लाह ताला भी उसका दोस्त और कारसाज बन जाता है। जैसा कि सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाता है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुम अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। याद रखो, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा है और ना वो गमगीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और परहेजगार रहे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला के दोस्त कौन हैं? अल्लाह ताला किन लोगों को अपना दोस्त बनाता है, और ईमान लाने के बाद परहेजगारी कैसे इख्तियार की जाए? परहेजगारी का मेयार, परहेजगारी का स्टैंडर्ड क्या हो? अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा स्टैंडर्ड काबिल कबूल है? अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे कौन हैं और वो क्या करते हैं? ये सब जानने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक मेयार, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अहज़ाब में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल्यौमिल आखिरी वज़करल्लाह। अलबत्ता तुम्हारे लिए रसूलल्लाह में अच्छा नमूना है जो अल्लाह और क़यामत की उम्मीद रखता है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम सीरत का मुताला
उस उस्वाए हसना यानी उस ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीक़े को जानने के लिए करें जो हमारे लिए अल्लाह ताला का भेजा हुआ रोल मॉडल है। सीरत का मुताला उस रोल मॉडल की पैरवी करने, उसको फॉलो करने के लिए करें जिसकी पैरवी करने से, जिसको फॉलो करने से हम अपने असल घर जन्नत को पा सकते हैं। ये दुनिया हमारा घर थोड़ी है, ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है। हमारा इस दुनिया में भेजे जाने का असल मकसद ये है कि देखा जाए कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। जैसा कि इरशादे बारी ताला है सूरह मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। ये दुनियावी ज़िंदगी हमारी अबदी हमेशा हमेश की ज़िंदगी के मुकाबले में कोई मायने नहीं रखती। इस दुनिया में जो हमारा दारुल इम्तिहान है, हमसे ये देखा जा रहा है कि हमारे आमाल कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं। अच्छे आमाल से मुराद भी कोई भी अपने ईजाद करदा मन घड़त आमाल नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के पसंदीदा और उसके प्यारे बंदे और नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए आमाल के मुताबिक हों, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित शुदा आमाल, आपके आमाल के मुताबिक आमाल, ये है अच्छे आमाल का क्राइटेरिया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वाए हसना के मुताबिक कोई भी अमल अच्छा नहीं हो सकता जब तक उस अमल की या उस तरीक़े की दलील, उसका प्रूफ हमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ना मिले। अब किसी के जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तईबा में जो अख्वाल अफ़आल आमाल अहकाम व हिदायत यानी सेइंग्स डूइंग्स एक्ट्स एंड एक्शंस ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस हमें आपकी मुबारक ज़िंदगी में मिलते हैं, तो क्या वो सब अल्लाह ताला की मर्दी के ऐन मुताबिक हैं? क्या आपकी सीरत और सुन्नत से वही कुछ साबित है जिसमें अल्लाह ताला की मर्दी शामिल है? अल्लाह ताला की तरफ से रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ वही इल्म नहीं आता जो कुरान मजीद में दर्ज हुआ है, बल्कि आपको वही के ज़रिए से दूसरी बातों का इल्म भी दिया जाता रहा जो कुरान में दर्ज नहीं किया गया है। इसकी एक वाज़े दलील हमें सूरह तहरीम की आयत 3 में मिलती है। आयत का मफहूम है, और ये मामला भी काबिल तवज्जा है कि नबी ने एक बात अपनी बीवी से राज में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज ज़ाहर कर दिया और अल्लाह ने नबी को इस अफशाए राज की इतला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को ख़बरदार किया और किसी हद तक उससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उस अफशाए राज की यह बात बताई तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने ख़बर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने ख़बर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। लिहाजा ये आयत इस बात की सरीह दलील है कि कुरान के अलावा भी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था। इसके अलावा सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, वह अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, इन हुवा इल्ला वहयुहा, यह तो एक वही है जो उस पर नाजिल की जाती है। कुरान हकीम के मजामीन के अलावा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबलीग दीन और दावत इल्लाह के लिए जो भी बातें किया करते,
और कुरान हकीम की तशरीह किया करते, यानी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते, वाज़ और नसीहत करते यानी प्रीच करते और एडवाइस देते और लोगों को तालीम देते थे, उनके मुतालक ये शुबा करने की सरे से कोई गुंजाइश नहीं है कि यह बातें मुआज़ल्लाह आप अपने दिल से घड़ते थे, बल्कि यह सब कुछ आपकी तरफ वही की जाती थी। ये बातें अगरचे उस तरह लफ्जन लफ्जन आप पर नाजिल नहीं की जाती थी जिस तरह कुरान करीम आप पर नाजिल किया जाता था, मगर ये लाजिमन थी उसी इल्म पर मबनी जो वही के ज़रिए से आपको दिया गया था। इनमें और कुरान मजीद में फ़र्क सिर्फ ये था कि कुरान मजीद के अल्फाज और मानी सब कुछ अल्लाह की तरफ से थे और इन दूसरी बातों में मानी व मतालिब वो थे तो जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाए थे और उनको अदा आप अपने अल्फाज में करते थे। इसी फ़र्क की बिना पर कुरान हकीम को वही जली और आपके इन दूसरे इरशादात को वही खफी कहा जाता है। दूसरा यह कि इंसानी मुआशरे में नबी का मुकाम इंतहाई नाजुक मुकाम है। एक मामूली बात भी जो किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में पेश आ जाए तो वो अहमियत नहीं रखती, लेकिन वही अगर नबी की ज़िंदगी में पेश आ जाए तो वो क़ानून की हैसियत इख्तियार कर जाती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर ऐसी कड़ी निगरानी रखी कि उनका कोई अदना सा कदम भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी उसकी मंशा से हटकर ना हो। अगर ऐसा कोई काम भी अगर नबी से सादिर हुआ तो उसकी फौरन इस्लाह कर दी गई ताकि इस्लामी क़ानून और उसके उसूल अपने बिल्कुल सही सूरत में ना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब में मौजूद हों बल्कि उसके नबी के उसवे हसना की सूरत में भी अल्लाह ताला के बंदों तक पहुंच जाएं। और इनमें ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ ऐसी शामिल ना होने पाए जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो। कुरान हकीम के मुताले से पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रा सी बात पर टोक दिया गया और टोक देने के बाद ना सिर्फ उसकी इस्लाह की गई बल्कि उसे रिकॉर्ड पर भी ले आया गया और उसको कुरान में दर्ज कर दिया गया। तो ये चीज़ ख़तई तौर पर हमारे दिल में ये इत्मीनान पैदा कर देती है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैबा में जो आमाल व अफ़आल और जो अहकाम व हिदायत भी हमें अब मिलते हैं और जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई गिरफ्त या इस्लाह रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है वह सरासर बरहक हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से पूरी मुताबिकत रखते हैं और हम पूरी एतमाद के साथ उनसे हिदायत और रहनुमाई गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। जहाँ अल्लाह सुबहानहु व तआला ने अपने रसूल की इज़्ज़त व हुर्मत को ख़ुद अपने बंदों के हक़ में ईमान का जुज़ करार दिया और आपकी बीवियों को यानि अज़वाज मुतहरात को अहले ईमान की माएँ करार दिया, वहीं उनके बाद गलतियों पर सूरह तहरीम में शिद्दत से टोक दिया गया। और ये सख्ती से टोकना भी खुफिया तौर पर सीक्रेटली नहीं किया गया बल्कि उसको वही जली के ज़रिए कुरान हकीम में दर्ज कर दिया गया जिसे तमाम उम्मत को हमेशा हमेशा तिलावत करना है। अब कुरान करीम में ये ज़िक्र लाने की मसलहत इसके सिवा क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को अपने बुज़ुर्गों के एहतराम की सही हुदूद से आशना कराना चाहता है। नबी नबी है खुदा नहीं कि उससे कोई लफ्ज़िश ना हो। नबी का एहतराम इस बिना पर नहीं है कि उससे लफ्ज़िश होना नामुमकिन है बल्कि इस बिना पर है कि वो मर्ज़ी इलाही का मुकम्मल नुमाइंदा है और नबी की अदना सी लफ्ज़िश को
भी अल्लाह ताला ने इस्लाह किए बगैर नहीं छोड़ा है, जिससे हमें ये इत्मीनान नसीब हो जाता है कि हमारे नबी का छोड़ा हुआ उसवे हसना अल्लाह ताला की मर्ज़ी की पूरी नुमाइंदगी कर रहा है। इसी तरह कुरान मजीद में अजवाज मुतहरात और सहाबाए कराम को टोके जाने के वाकियात भी मुतअद्दिद मुकामात पर दर्ज किए गए हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो सब इंसान ही थे, फरिश्ते या फौकुल बशर न थे। उनसे गलतियां होना मुमकिन था। उनको जो मर्तबा भी हासिल हुआ है इस वजह से हुआ है कि अल्लाह ताला की रहनुमाई और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उनको इंसानियत का बेहतरीन नमूना बना दिया था। उनके बाज़ गलतियों की इस्लाह रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जिसका ज़िक्र हमें अहादीस में बकसरत मुकामात पर मिलता है, और बाज़ गलतियों का ज़िक्र कुरान हकीम में करके अल्लाह ताला ने ख़ुद उनकी इस्लाह की, ताकि मुसलमान कभी अपने असलाफ के एहतराम में ऐसा ना करें कि उन्हें इंसानियत के मुकाम से उठाकर देवी देवताओं के मुकाम पर पहुंचा दें। सीरत का मुताला करने से पहले यह सब जान लेने और अपने दिल के कोने कोनों से मामूली से भी शक व शुबहात दूर कर लेना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जो इल्म हम हासिल करने जा रहे हैं अगर इस पर एतमाद नहीं तो इस तरह के इल्म को अमल में ढालना निहायत मुश्किल है। वो इल्म जिस पर मुकम्मल भरोसा हो वो आसानी से अमल में लाया जा सकता है। इंशाअल्लाह आगे हम सीरत और उसकी अहमियत पर नज़र डालेंगे। किसी शख्स की सीरत उस शख्स की ज़िंदगी का सफ़र होता है, यानी सवानहे उम्री, सवानहे हयात, जर्नी ऑफ लाइफ। सीरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं चल फिरना, रास्ता लेना या तरीक़ा इख्तियार करना। इस तरह सीरत के मानी हैं तरीक़ा, सुन्नत, आदत, किरदार, अंदाज़, यानी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी, जर्नी ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ। और सीरतुन नबी का मतलब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, आपकी सुन्नत, या फिर द लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत किसी की भी हो सकती है, किसी शख्स की भी हो सकती है, लेकिन सीरत का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है कि सीरत का नाम सुनते ही हमारे दिलो दिमाग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपके अक़वाल, सेइंग्स, आपके अफ़आल व आमाल, एक्ट्स एंड एक्शंस, आपके सिफात, क्वालिटीज़, आपके आदाब, एटिक्वेट्स, और आपके अखलाक, एथिक्स शामिल हैं। इसके अलावा आपका हाल व हुलिया, यानी आप कैसे नज़र आते थे, देखने में आप कैसे दिखते थे, ये भी शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपकी ज़िंदगी को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में नबूवत से पहले की 40 साल ज़िंदगी आती है, और नबूवत से बाद की ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम की जाती है, यानी 13 साल मक्की ज़िंदगी, 13 ईयर्स ऑफ मक्कन पीरियड, दूसरे हिस्से में आती है, और फिर तीसरे हिस्से में 10 साल मदनी ज़िंदगी। ये तीनों हिस्सों को हम सीरतुन नबी में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर यह सीरत है तो हदीस क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद आपने जो जो कहा, किया और करके दिखाया, और आपके सामने दूसरों ने जो कुछ किया उसको आपने पसंद किया या नहीं, यह सब अहादीस में दर्ज है। यानी आपके अख्वाल, अफ़आल और आमाल, और इनके अलावा जो चीज़ें आपके सामने हुई जिसको आपने पसंद किया या नापसंद किया, यह सब अहादीस में आता है। अक्सर लोग उन लोग
लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं जिनकी उनकी नज़रों में अहमियत होती है, जिनकी वो नकल करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं ताकि वो उनकी तरह कामयाब हों। लेकिन क्या एक मुसलमान के लिए नकल करने और कामयाब बनने के लिए और कोई मिसाल हो सकती है? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल के अलावा, आपकी सीरत के अलावा कोई और सीरत हमें सारी इंसानी तारीख में मिल सकती है? अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल बनाते हैं और अगर हम आपको फॉलो करते हैं तो ज़रा बताएं हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं? उस रब्बे कायनात की जो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, जो कि हमारा खालिक मालिक वो राज़िक है, उसके पसंदीदा और तारीफ किए गए बंदे और नबी की। तारीख गवाह है कि पूरी इंसानी तारीख में कामयाब तरीन इंसान, द मोस्ट सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं। इस बात की गवाही न सिर्फ कुरान हकीम देता है बल्कि नॉन मुस्लिम्स खुद इसको इकरार करते हैं। माइकल हार्ट, जो एक अमेरिकन ऑथर और एस्ट्रोफिजिस्ट था 20th century का, उसने रिसर्च करके पूरी इंसानी तारीख से 100 ऐसे कामयाब और इन्फ्लुएंशियल लोगों की हालात ज़िंदगी को जमा किया जिन्होंने इंसानी तारीख पर गहरा असर छोड़ा है और तारीख में कमाल दर्जे का इनकलाब लाया। उसने अपनी किताब द 100 अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री में पहला मुकाम पहले नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। हालांकि माइकल हार्ट खुद ईसाई था लेकिन इसके बावजूद उसने बग़ैर किसी तासुब, हसद या पार्शियलिटी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दर्जे पर रखा और माना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन इंसान हैं। जबकि उसने अपने मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी ही किताब में नंबर 3 पर रखा। उसने माना कि यह बात बहुत से लोगों को हैरान करती है लेकिन हकीकत यही है। वो लिखता है कि माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन्ड बाय अदर्स but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. agar hum tareekh par nazar dale to pata chalta hai ki duniya ki jitni bhi badi aur aham personalities hain wo kisi ek field mein mahir hote hain, yani unka field of specialization koi ek hota hai, yani agar कोई दुनियावी फील्ड में माहिर है तो वह दीन से कोसों दूर होता है और अगर वह दीन में माहिर है तो दुनिया से कटकर रह जाता है। दीन और दुनिया का एक ही शख्स में जमा हो जाना और जमा होना भी सही बैलेंस में जमा होना, ये एक इंतहाई कमाल की बात है और ऐसी मिसाल सारी इंसानी तारीख में हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में दीन और दुनिया का सही एक्यूरेट बैलेंस पाया जाता है। आप दोनों फील्ड्स में, यानी रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स में इंतहाई कामयाब रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दीनी एतबार से अपनी मिसाल आप थे, अपने अखलाक में, अपने इबादात में और दूसरे दीनवी उलूम में, तो वहीं आप सियासी मैदान में, पॉलिटिकल फील्ड में,
कानून बनाने और उसको नाफिज करने में, यानी लॉस को बनाने और उनको इम्प्लीमेंट करने में, और फौजी क़यादत यानी मिलिट्री लीडरशिप वगैरह में आप अपनी मिसाल आप थे। इस सब के अलावा आप अखलाक में, किरदार में, अफ़आल व अख़वाल में, हर रिश्ते को निभाने में, अहद व पैमान पूरा करने में, वादों को निभाने में अफजल तरीन मिसाल थे। इस ही लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह अंबिया में फरमाता है, वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां वालों के लिए रहमत है, और ये अल्लाह ताला का ना सिर्फ अहले ईमान पर बल्कि तमाम जहां वालों पर फ़ज़ल है और एहसान है कि उसने अपने इस रसूल को हमारी रहनुमाई के लिए दुनिया में भेजा, हमें यूं ही गुमराह होने और भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया। जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद बारी ताला है, لقد من الله على المؤمنين اذا بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين। در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے कि उनके दरमियान ख़ुद उन्हीं में से एक ऐसे रसूल को उठाया जो उसकी आयात उन्हें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है और उनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरीह गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने किताब कुरान हकीम के साथ साथ अपने प्यारे रसूल के अख़वाल, अफ़आल व आमाल की हिफाजत का ऐसा कुदरती इंतज़ाम किया कि इस तरह का इंतज़ाम किसी आसमानी किताब या अपने किसी और नबी की हालात ज़िंदगी को महफूज करने के लिए नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो भी अंबिया इस दुनिया में आए, इन में से सिर्फ चंद अंबिया का जिक्र और अहवाल हमें कुरान मजीद में मिलते हैं या फिर दूसरी आसमानी किताबों में जो अब अपनी असल शक्ल में नहीं हैं। इन अंबिया के अलावा जो कुरान मजीद में दर्ज हैं, लातादाद अंबिया ऐसे भी हैं जिनका जिक्र हमें कुरान हकीम में भी नहीं मिलता, क्योंकि इस दुनिया में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए वो किसी एक ख़ास कौम की तरफ और एक ख़ास वक्त के लिए भेजे गए थे, यानी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत चूँकि आखिरी और उमूमी है, यानी लास्ट एंड यूनिवर्सल है, इसलिए यह बेहद ज़रूरी था कि आपके तमाम हालात नबूवत और ज़िंदगी को महफूज किया जाए। तारीख़ में अगर किसी शख्स पर सबसे ज़्यादा और कसरत से किताबें लिखी गईं तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हैं, क्योंकि हर मज़हब के लोगों को आपके बारे में दिलचस्पी रही, किसी को आपकी कामयाबी के राज जानने के लिए तो किसी को तनकीद का शिकार बनाने के लिए। बहरहाल आप पर कसरत से किताबें लिखी गईं। एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक आप पर तकरीबन 5 लाख किताबें लिखी गई हैं। सीरत निगारी यानी सीरत लिखने का काम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही शुरू हो गया था। अस्हाबे रसूल जहाँ आपकी अहादीस लिखते, वहीं आपके हालात ज़िंदगी को भी कलम बंद कर लिया करते। बाज़ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से आपके इरशादात को लिखा। सही बुखारी बाबुल इल्म में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मिलता है कि सहाबा में मुझसे ज़्यादा किसी को अहादीस महफूज नहीं, अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तस्ना हैं,
क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लिख लिया करते थे और मैं लिखता ना था। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की आदत थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुनते थे लिख लिया करते थे, लेकिन कुरैश ने उनको मना किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गैस की हालत में होते हैं तो कभी खुशी में, और तुम सब कुछ लिखते जाते हो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बिना पर लिखना छोड़ दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़हन मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि तुम लिख लिया करो, इससे जो कुछ निकलता है हक़ निकलता है। गर्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कम और आप के बाद हदीस और सीरत पर बहुत कुछ काम किया गया। जिस तरह सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन वगैरह कुरान हकीम को याद करके अपने सीनों में महफूज किया करते थे, ठीक इसी तरह अहादीस को भी पूरी अमानतदारी के साथ एक से दूसरे तक पहुंचाते रहे। अगर कोई ये सोचता है कि अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा किए हुए चंद अल्फाज का मजमुआ है जो महज किसी भी एक शख्स से दूसरे शख्स सुनता चला आ रहा है और उसको लिखकर जमा कर लिया गया है, तो वो सरी गुमराही में है, वो गलत है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अहादीस को जमा करने का और उसको प्रिजर्व करने का काम निहायत ही मेहनत तलब और पेचीदा तरीन काम है। यह जानकर हैरत होती है कि हमारे असलाफ ने इस्लामी तारीख महफूज करने और अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने परखने के लिए हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को भी महफूज किया जिनके ज़रिए ये इल्म आगे बढ़ा। यानी ना सिर्फ अहादीस और रिवायात को महफूज किया गया बल्कि उन रावियों यानी उन नरेटर्स की हालात ज़िंदगी को भी महफूज कर लिया गया, ताकि ये देखा जाए कि जिनके ज़रिए हम तक जो इल्म पहुँचाया जा रहा है वो कैसे हैं, काबिल एतबार हैं या नहीं। अल्लामा शिबली नामानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तकरीबन 13,000 लोगों की हालात ज़िंदगी को महफूज किया गया जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को रिवायत किया है, नरेट किया है। इन पर कई किताबें मौजूद हैं, किताब तबक़ात इब्ने साद, किताब लि अब्दुल्लाह बिन अली, किताब इब्ने अबी हातिम अर्राज़ी, किताब अद-दौलाबी और दर्जनों ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ उन नरेटर्स की हालात ज़िंदगी पर लिखी गई हैं। इसके अलावा भी जब कोई मुहद्दिस किसी रावी से कोई हदीस लेते तो कई बातों का ख्याल रखते और हद दर्जा एहतियात बरतते। मसलन ये देखा जाता कि क्या फलाने रावी फलां शख्स से के ज़माने में मौजूद थे जिनसे वो हदीस बयान कर रहे हैं, अगर वो थे तो क्या वो दोनों मिले थे। फिर इस चीज़ की तस्दीक के लिए मुहद्दिसीन उन रावियों के मुल्क का सफ़र करते ये तहकीक करने कि कहीं इसमें कोई गलती सरजद ना हो जाए। इसके अलावा भी और कई रूल्स फिक्स किए गए हैं हदीस और रावी की जांच परख के लिए, इसलिए हमें चाहिए कि हम सीरतुन नबी का मुताला शुरू करने से पहले अपने तमाम शकूक और शुबहात को डाउट्स को अच्छी तरह क्लियर कर लें और पूरी इत्मीनान कल्ब यकीन और पूरे शौक़ और ज़ौक़ के साथ इस इल्म को हासिल करें। क्योंकि यहाँ याद रखने की बात जो है वो ये है कि इल्म पर जितना यकीन होगा वो उतना ही अमल में तब्दील होगा। इसके अलावा सीरत का पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि
अंबियाए कराम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप पर नबुवत ख़त्म हो गई और आपके बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा हम उम्मते मोहम्मदिया आपके वारिस हैं। आपके बाद आपका काम आपकी उम्मत को करना है, यानी लोगों को दीन की तरफ बुलाने का काम आपके बाद आपकी उम्मत को करना है। ऐसे में अगर हम खुद अपने नबी से और उसकी तर्ज ज़िंदगी से नावाकिफ़ हैं तो हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा सीरतुन्नबी का जानना इसलिए भी अहम है कि आज के दौर में इस्लाम और हमारे नबी पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कीचड़ उछाला जा रहा है, हर तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में हम इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा नहीं करेंगे? हम दिफा उस वक्त कर सकते हैं जब हम खुद सही और गलत की तमीज़ रखते हों, और सही और गलत की तमीज़ पैदा करने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा। सोचने की बात है, वो कौम अपने नबी का किस तरह दिफा कर सकती है जो अपने नबी से नावाकिफ़ है। इसके अलावा भी दीन का काम करने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बेहद फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी से हमें कई अजबाख मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दावत दीन का काम किस तरह करना है, दीन की दावत किन किन तरीक़ों से दी जा सकती है, एक दाई का अखलाक एथिक्स क्या होना चाहिए। इसके अलावा सीरत के पढ़ने से हमें इस्लाम को समझने में मदद मिलेगी। कुरान हकीम की समझ और उसका मफहूम ठीक तरह से समझना सीरत के पढ़ने के बाद ही मुमकिन है, क्योंकि कुरान हकीम 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ और बहुत सारे वाक़ियात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए कराम के साथ पेश आ रहे थे वो सब कुरान मजीद में दर्ज हो रहे थे। सहाबाए कराम कोई सवाल करते और उसका जवाब में वही जली नाजिल होती, आपको कोई मसला पेश आता और उसी दौरान वही नाजिल होती, इसी तरह मुशरिकीन कोई सवाल करते आपसे और उस पर वही नाजिल होती, जंग के दौरान अमन में वही का सिलसिला जारी रहा। इसलिए सीरत के मुताले से कुरान मजीद की जिस तरह से हमें समझ आएगी वो इसके पढ़ने के बग़ैर काफ़ी मुश्किल है। हमारे लिए यह बात जानना भी बेहद ज़रूरी है कि सीरत का मुताला एक इबादत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक उस्वाए हसना है, तो आपसे मोहब्बत हमारे ईमान की तकमील का ज़रिया, यानि आपसे मोहब्बत करना हमारे ईमान के मुकम्मल होने का ज़रिया है। उम्मते मुहम्मदिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में एक अहम हक आपसे मोहब्बत करना है, और मोहब्बत भी ऐसी मोहब्बत हो कि अपने वालिदैन, औलाद, अपने माल और दौलत से बल्कि ख़ुद अपनी जान से भी बढ़कर हो, और ये ईमान का हमारे ईमान की लाजिमी शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दीन की बुनियाद और उसके फ़राइज़ में से एक अहम फरीज़ा है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है। आयत का मफहूम है, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वह कारोबार जिसकी कमी से तुम डरते हो और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, अगर तुम्हें अल्लाह से
और उसके रसूल से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अज़ाब ले आए। अल्लाह ताला फासिखों को हिदायत नहीं देता। वालिदैन, बीवी, औलाद, माल व दौलत, ख़ानदान व कबीला वगैरह से मोहब्बत फितरी या नेचुरल बात है। इस बात का इस आयत में इनकार नहीं किया जा रहा और ना ही उनसे मोहब्बत करने से मना किया जा रहा है, बल्कि मोमिनों से इस आयत में इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि उन सब चीज़ों से बढ़कर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला, उसके रसूल और उसके दीन से मोहब्बत होनी चाहिए। और ये ऐसी लाजमी और ज़रूरी चीज़ है, बल्कि शर्त है कि इसके ना होने की सूरत में सख्त वईद यानी पनिशमेंट है और अल्लाह ताला का अजाब भी आ सकता है। सही अहादीस से भी इस बात की अहमियत का पता चलता है। सही बुखारी की हदीस है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इसके रावी हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिद और उसकी औलाद से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। एक और रिवायत अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु की सही बुखारी में दर्ज है। हम एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यकीनन आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं सिवाय मेरे नफ्स के। जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हो जाऊँ। यह सुनकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, हाँ अल्लाह की कसम, अब आप मुझे अपने नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब ऐ उमर, यानी अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। अगर हमें ये देखना और जानना है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाती है, तो हमें सहाबाए कराम के तर्ज अमल और उनकी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत, वफादारी, जानिसारी, फिदाकारी को देखना चाहिए। सीरत में सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बेशुमार वाक़ियात मौजूद हैं। ऐसा ही एक वाक़िया है, ज़ैद बिन उस्ना रज़ियल्लाहु अन्हु को कुफ़ार ने पकड़ लिया और उन्हें क़त्ल करने के इरादे से हरम से बाहर ले चले। रास्ते में अबू सुफियान, जो उस वक्त तक इस्लाम ना लाए थे, उनसे कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, बताओ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह मोहम्मद को नऊज़ु बिल्लाह फांसी दी जाती और तुम अपने घर में आराम से रहते? हज़रत ज़ैद बिन उस्ना रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे हरगिज़ ये बात भी गवारा नहीं कि मैं छोड़ दिया जाऊं और इस रिहाई के बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी जगह रहते हुए जहां आप इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं कोई कांटा भी चुभे। यह सुनकर अबू सुफियान हैरान रह गया और यह कहने पर मजबूर हुआ कि हमने किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसी मोहब्बत अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। एक और वाक़िए में आता है कि उरवा बिन मसूद सकफ़ी, जो सुलह हुदैबिया के दौरान कुफार की जानिब से नेगोशिएट करने के लिए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया था, उसने वापस जाकर कुरैश से रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए कराम के ताल्लुक़ खातिर का मंज़र बयान किया। उसने कहा, ऐ कौम, बखुदा मैं खैसर व किसरा और नजाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ, बखुदा मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों
जितनी मोहम्मद के साथी मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। जब वो हुक्म दे तो उसके हुक्म को बजा लाने के लिए सब दौड़ते हैं। जब वो वज़ू करते हैं तो मालूम होता था कि उसके वज़ू के पानी के लिए लोग लड़ पड़े, और जब कोई बात बोलते तो सब अपनी आवाज़ें पस कर लेते थे, और ताज़ीम का ये हाल कि वो उन्हें भरपूर नज़र से ना देखते थे। सुभान अल्लाह, कैसी मोहब्बत होगी ना, कैसी मोहब्बत और जानिसारी। अल्लाह करे कि हम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत पैदा हो। आखिर में मैं एक इंतहाई अहम पॉइंट आपके आगे रखना चाहूँगी, और वो यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने से पहले हमें अपने आप से यह सवाल भी करना है कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी अपनी नियतों का जायज़ा लें, अपनी अपनी नियतों को खालिस कर लें, क्योंकि बहुत ही मशहूर हदीस है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की, इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारोमदार नियत पर है, यानी डीड्स आर बाय इंटेंशन। हर एक को वही मिलेगा जो उसने नियत की। लिहाजा इस इल्म को हासिल करने के पीछे हमारी नियत हमारे रब को राज़ी करना हो, हमारी नियत अपने रब के बताए हुए बेहतरीन और पसंदीदा तरीक़ों पर अमल करने की हो। इसको पढ़ते वक्त कोशिश करें कि अपने अमल के लिए पॉइंट्स निकालें, ताकि हम अपने अमल को संवार सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जैसे जैसे पढ़ते जाएं, हमारे इल्म, अमल, इबादात, अखलाक वगैरह में नुमाया और क्लियर तब्दीली आती चली जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।